Hey, what's up guys, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई आपकी मूवी जो है ब्रह्मास्त्र, उसका बजट ऑलमोस्ट 400 करोड़ से ज्यादा है, 400 करोड़ से ज्यादा। तो फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग में कितना एक्सेप्ट करते हो? एनीवेज बुक माई शो पे कल मैंने चेक किया था, टिकट का रेट क्या है। अगर मैं मेरे एरिया की बात करूँ तो 3D में लगा है, सारे के सारी जगह पे 200 प्राइस है, एंड बहुत सी जगह पे 400, 450, 300 बहुत कुछ होगा। तो भाई मैं अगर ऑल ओवर इंडिया की हिंदी वर्जन की बात करूँ ना, तो पहले दिन मैं सोच रहा था कि भाई एटलीस्ट इनको 2 करोड़ तो करना पड़ेगा। एंड एंड उसके बाद आपने सैटरडे संडे हो गया, इनको 3 दिनों, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, 3 दिन में इनको कम से कम 10 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा एडवांस बुकिंग से। उसके बाद जब ये मूवी रिलीज होने वाली होगी ना, तो भाई पूरे के पूरे इंडिया से सिर्फ हिंदी वर्जन से इनको 20-1 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा सिर्फ एडवांस बुकिंग से, तब जाके ये लोग 50 करोड़ कमा पाएंगे। और भाई ये जो मैं सोच रहा हूँ ना, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले दिन जब मैंने सोचा कि भाई आज तो 2 करोड़ तो करना ही है इन लोगों को, तो भाई ये लोगों ने उसका आधे से भी आधा कर दिया। मेरा मतलब है पहले दिन ब्रह्मास्त्र ने एडवांस बुकिंग में सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का बिजनेस किया इन हिंदी। भाई ये नहीं चलेगा। आप देखो यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, इनको है ना भाई कम से कम 20 करोड़ का एडवांस बुकिंग कलेक्शन करना पड़ेगा, 20 करोड़ का। अगर इसका इंडिया से अगर इसका भाई 45, 50, 55 करोड़ कलेक्शन निकल के नहीं आया ना, तो भाई ये मूवी का बजट के हिसाब से बहुत कम होगा भाई। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई ये 20-25 करोड़ का बिजनेस करती है हिंदी से, ऑल ओवर इंडिया से 30-35 करोड़ का बिजनेस करती है, तो भाई उसको सुपर डुपर हिट नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि के भाई देखो रिव्यूज इसके अच्छे आएंगे, चलो ठीक है, बट बहुत अच्छे रिव्यूज आने चाहिए इसके। एंड उसके बाद भाई इस मूवी का बजट इस तरीके का है भाई, थोड़ा सा इस मूवी के जो तारे ना गर्दिश में तो है, बट कंटेंट अच्छा हुआ, लोगों को मूवी पसंद आया, तो हो सकता है कि भाई मूवी बजट तो क्या बहुत कुछ कर ले। यार देखो दो ही चीज होगी, कहा तो ये मूवी बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट, बहुत बड़ी ब्लॉकबास्टर हो जाएगी, या फिर ये मूवी सुपर डुपर डिजास्टर हो जाएगी, वो तो अब टाइम पे पता चलेगा। बट पहले दिन इस मूवी ने हिंदी के अंदर 50 लाख का एडवांस बुकिंग कलेक्शन किया है, जिसको मैं बोलूंगा कि भाई इतना कुछ खास नहीं है। टिकट का रेट्स भी ज्यादा है और 3D है तो यार उसके हिसाब से सही है, बट सिर्फ 50 लाख का बिजनेस पहले दिन, ये थोड़ा सा सही नहीं है। अब देखते हैं सैटरडे का दिन है, सेकंड डे आज कितना होता है, उसके बाद संडे को कितना होता है, और 3 दिनों में इनको है ना 10 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, जो कि मेरे को इम्पॉसिबल टारगेट लग रहा है। बट एडवांस बुकिंग के ऊपर भाई बहुत डिपेंड है, क्योंकि एडवांस बुकिंग से पता चलेगा कि भाई मूवी पहले दिन कितना बिजनेस करेगी। अगर ये पूरे के पूरे इंडिया से कम 40 करोड़ लेके नहीं आएगी ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, इसके बजट के हिसाब से फिर क्या ही होगा मेरे को नहीं पता। बाकी भाई ये मूवी का देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से रिव्यूज निकल के आते हैं, लोग कितना पसंद करते हैं इसको, एंड किस तरीके से क्या होता है, देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोग बताओ इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन कितना आएगा, मैं तो सोच रहा हूं एटलीस्ट 40-50 करोड़ तो आना ही चाहिए। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन पहले कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।